हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यू ऑल हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अगर आप लोगों ने भी अपने मोबाइल फ़ोन का आईपी एड्रेस चेंज करना है तो आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि मेरी आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन का आईपी एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको टू इजीएस्ट मेथड्स बताए हैं जिनसे आप अपना आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों का आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाए। वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाया है ताकि आप लोग ये ना समझें कि किसी किस्म की फेक वीडियो है। सो लेट गेट स्टार्टेड। आईपी एड्रेस होता क्या है? बेसिकली आईपी एड्रेस आपके वाईफाई का एक तरह का कोड होता है, या आप समझे एक तरह का एड्रेस होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको अपना ओल्ड आईपी एड्रेस शो करवाया है जो मैंने चेंज करना है, और आईपी एड्रेस कैसे देखते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स पे जाके अबाउट फोन पे चले जाना है। वहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा डिटेल, इन्फो एंड स्पेसिफिकेशन। वहाँ पे जाने के बाद आपको स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपने चले जाना है। जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे आप देख सकते हैं मेरा आईपी एड्रेस की लास्ट में 0.43 डिजिट आ रहा है। इसको मैंने चेंज किया है और चेंज होने के बाद मैंने अपनी वीडियो में शो भी करवाया है। तो यहाँ से आपने बैक हो जाना है और जो भी आपका वाईफाई आपके फोन में कनेक्ट है उसकी सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। जब ये ओपन हो जाए आपने एडिशनल सेटिंग्स पे चले जाना है। जैसे ही आप एडिशनल सेटिंग्स पे जाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा। यहाँ पे आपको आईपी सेटिंग्स के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, आपने उस पे जाके सेटिंग्स पे चले जाना है। यहाँ आपके पास आपकी आईपी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी और यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई भी आईपी एड्रेस लिख सकते हैं जो भी आपको सुटेबल लगे। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को दिखाया था, मेरे आईपी एड्रेस के लास्ट में 0.43 आ रहा था, यहाँ पे भी वही है। अब मैं इसको 0.44 कर दूंगी। यहाँ से चेंज करने के बाद आपने टिक कर देना है, और टिक करने के बाद मैं आपको जाके दोबारा दिखाऊंगी कि मेरा आईपी एड्रेस चेंज हुआ है कि नहीं। आईपी एड्रेस कैसे देखते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसी तरीके से मैं अपना आईपी एड्रेस चेक करने जाऊंगी तो आप देख सकते हैं वो 0.43 की जगह 0.44 हो गया है। तो ये मेरा फर्स्ट मेथड था आईपी एड्रेस चेंज करने का, जो मेरे लिए तो वर्क किया है। अगर आप लोग के लिए वर्क नहीं करता तो इसी वीडियो में मैंने सेकंड मेथड बताया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सेकंड मेथड पे जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। सेकेंड मेथड के लिए आपको गूगल से एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका नाम आईपी चेंजर प्लस हिस्ट्री है, और उसका लोगो कुछ इस तरह का शो होता है। आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, और ये वाली ऐप आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी। अगर मिलती भी है तो ये आपको बाय करनी पड़ेगी, तो इसलिए बेहतर है कि आप गूगल से कर लें या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में वहाँ से इंस्टॉल कर लें। जितनी देर में ये ऐप इंस्टॉल हो रही है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाए आपने इसको ओपन कर लेना है और इस ऐप की सारी परमिशंस को अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद ये आपको शो करवाएगा कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो वाईफाई कनेक्ट है आप उसको बंद कर लें और जो मोबाइल डाटा है उसको ऑन कर लें। ऑन करने के बाद ये आपको आपका करंट आईपी शो करवाएगा। मेरा करंट आईपी के लास्ट में फ़िलहाल है 0.3। इसको कैसे चेंज किया जाए वो भी मैं आपको बताऊँगी। आपने चेंज आईपी एड्रेस पर चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद वो आपको एयरप्लेन मोड शो करवाएगा। आपने एक बार उसको ऑन करके ऑफ कर लेना है जब तक आपका डाटा कनेक्ट नहीं होता। जैसे ही मोबाइल डाटा कनेक्ट हो जाए आपने यहाँ से बैक हो जाना है, और आप देख सकते हैं पहले मेरा आईपी एड्रेस शो करवा रहा था 0.3, अब उसने चेंज करके 0.130 कर दिया है। और ये आपके पास टाइम के साथ सारा कुछ शो हो जाएगा कि आपने किस टाइम में कौन सा आईपी एड्रेस चेंज किया है। आप उसी तरह अबाउट फ़ोन में जाके उसकी आईपी सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं कि आपका वहाँ से भी आईपी एड्रेस चेंज हो गया है। 0.130 हमारा लास्ट था और यहाँ पे भी आपको वही शो होगा। तो ये था मेरा सेकंड मेथड। होप सो ये आप लोग के लिए वर्क कर जाए अगर आप लोग के फर्स्ट मेथड वर्क नहीं किया। अगर ये भी नहीं करता तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं आप लोगों के लिए थर्ड मेथड पर भी वीडियो बना सकूँ। तो होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर टेक रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।